दीदी पैसे कितने पसंद हैं आपको? हाथ से पूछ रही है कि उसे मेहंदी कितनी पसंद है? क्यों लाखों करोड़ों बांट रही है तू? बांट नहीं रही हूं पर हम बटोर सकते हैं। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? अगर आपको पैसे बनाने हैं ना तो मैं अपने प्लान में शामिल कर सकती हूँ। ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। पैसे किसे नहीं पसंद है? लालच वो शमा है जो इंसान को परवाना बना देता है और जला कर राख कर देता है। आसान नहीं है इस नाचती शमा से बचना, आसान नहीं है उसके टिम टिम करते साए से भी दूर रहना। आकर्षण धन के प्रति, काम के प्रति, सांसारिक भोगों और इंद्रिय सुख के प्रति मनुष्य के मन में लालच का जहरीला बीज बो देता है और यही लालच का जहरीला बीज धीरे धीरे बनता है अरमानों का पौधा और समय के साथ साथ यही पौधा बनता है बेलगाम जुनून का पेड़। पेड़ जहरीला तो फल भी जहरीला, लेकिन ये जहरीला फल हमें एक झटके में मार भी तो नहीं डालता और ललचाता है और तकलीफ देता है। इसीलिए इस लालच के फल को खाने से पहले, इस बीज को बोने से पहले एक प्रश्न पूछें अपने आप से कि क्या सचमुच ये जहर चाहिए हमारी रगों में? क्या सचमुच इस जहर का होना जरूरी है? हरिओम गुरुजी, बिजापुरा से पूजा बोल रही हूँ फिर से। हाँ हाँ पूजा बेटी, तुम फोन कर रही थी ना दो चार दिन से? नहीं नहीं गुरुजी, एक हफ्ते से। हाँ वही एक हफ्ते से। पर देखिए ना, आप दर्शन ही नहीं दे रहे। अरे तुम्हें दर्शन का टाइम क्यों चाहिए? तुम हमारी सत्संग सभा में क्यों नहीं चली आती? रोज होती। दरअसल गुरुजी, मैं और मेरे पति चाहते कि आप हमारे घर आए और हमारे घर का शुद्धिकरण करें। देखिए प्लीज ना मत कहिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आप कब आ रहे हैं? देखो पूजा, मुझे वैसे भी विजयपुरा की तरफ आना ही है, आश्रम की जमीन के सिलसिले में। जैसे ही मुझे तारीख का पता चलेगा मैं आ जाऊंगा तुम्हारे यहाँ भी। ठीक है गुरुजी, बस जल्दी से प्रोग्राम बना लीजिए। हरिओम पूजा। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। वो दिग्विजय का तीन तीन बार फोन आ चुका है। अरे हाँ, भादरवड़ की जमीन को लेकर। जी भादरवड़ चलकर जमीन का सौदा कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल प्रोग्राम बना लो। जी। अरे हाँ विनोद, ये दीपक कहाँ है आजकल? दीपक मतलब दीपक जेठा? हाँ हाँ वही दीपक जेठा। दीपक भाई तो विजयपुरा में ही है, मेरी दो दिन पहले ही बात हुई। कुछ काम था आपको? गुरुजी आपका काम है और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, आप बस हुकुम करिए। तुम इतने व्यस्त रहते हो दीपक, काम के लिए समय मिल पाएगा? आपके काम के लिए तो मैं कहीं से भी समय निकाल लूं गुरुजी, बस आप हुकुम करिए। एक भक्त है हमारी पूजा, विजयपुरा निवासी है, कह रही थी कि हमारी सत्संग सभा में आती रही है, घर बुलाना चाहती है घर के शुद्धिकरण के लिए। तो गुरुजी इसमें अटपटा क्या है? नहीं नहीं कुछ अटपटा नहीं है, लड़की एक हफ्ते से रोज फोन कर रही है तो मैंने सोचा जरा पता लगा लें कि मामला है क्या। ठीक है गुरुजी, आप मुझे एड्रेस SMS कर दीजिए।
हरिओम पूजाबेन, मारू नाम दीपक जेठा छे, मुझे लक्ष्मण गुरुजी ने भेजा है। आपको गुरुजी ने भेजा है? अंदर आइए ना, आइए। जैसे दिन और रात, जैसे धूप और छांव, वैसे ही सुख और दुख। सुख की कामना करोगे तो दुख भी मिले, और जब दुख मिलेगा तो सुख भी आए। एक चक्रव्यूह है, वो आज की भाषा में कहते हैं ना, पैकेज डील, पैकेज डील। चाहे आप उस पैकेज को लो या ना लो, लेकिन वो पैकेज आपको मिले। हर इंसान को एक पैकेज उसके पैदा होते ही मिल जाता है। जीवन और मृत्यु, कोई भी इससे बच नहीं सकता। हरिओम दीपक। हरिओम गुरुजी। गुरुजी मैं गया था वहाँ पे पूजा बेन के घर। अच्छी लेडीज हैं, सच्ची श्रद्धा है आपके प्रति। ये वो कहीं अटपटा मामला तो नहीं लगा गुरुजी? बस बस यही जानना था बेटा, जीते रहो। हरिओम। गुरुजी अगले हफ्ते बुधवार दिग्विजय से बात हो गई है, भादरवर चलकर जमीन का सौदा पक्का कर लेंगे। अति उत्तम, लेकिन रास्ते में हम विजापारा रुकेंगे। विजापारा? हाँ विजापारा, हमारी एक भक्त है वहां, उसे अपने घर की शुद्धि करवानी है। जैसा आप ठीक समझे गुरुजी। गुरुजी लक्ष्मण प्रजापति को विजापारा की पूजा पर कोई शक नहीं था, लेकिन वो एक बार पूजा के न्योते को टटोल कर देखना चाहते थे, ये जानने के लिए कि कहीं इसमें कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन गुरुजी लक्ष्मण प्रजापति को भनक तक नहीं थी कि विजापारा की एक गृहिणी के घर का शुद्धिकरण एक मैला सा स्कैंडल खड़ा करने जा रहा था। क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स आज आपके सामने पेश कर रहा है अपना पांचवा स्पेशल फीचर, स्कैंडल। हरिओम गुरुजी। हरिओम, जीती रहो बेटी। हरिओम, जीती रहो। आइए ना, आइए गुरुजी। नमिता, घी नहीं है क्या? पूजा बेटी। जी जी गुरुजी। जी तुम्हारे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे गुरुजी। दरअसल वो सवेरे सवेरे उन्हें फोन आ गया था, तो इसलिए मीटिंग के लिए उन्हें खोड़ादर जाना पड़ा। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना बेटा, बिना यजमान के घर की शुद्धिकरण कैसे होगी? अब गुरुजी मैंने उन्हें फोन कर दिया है, उनकी जो मीटिंग वगैरह थी सब खत्म हो गई है, बस पहुंचते ही होंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए ईश्वर का स्मरण करें। पूर्णमिदं पूर्णात् बस पूजा बेटी, अब हम आज्ञा लेते हैं। गुरुजी लेकिन भोजन तैयार है। नहीं नहीं अभी हमें देर हो रही है, और देखो ना आपके पति भी तो नहीं आ पाए। गुरुजी उनका मैसेज आया था, बस समझिए कि वो पहुंच ही गए। आप लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने आपके लिए खास भोजन बनाया है, और फिर मेरे उनको आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए। पूजा बहन हमें भादरवड़ जाना है, जरूरी काम है। हम फिर कभी आ जाएंगे, तुम आश्रम आती रहना, बस अभी आज्ञा दो बेटी। गुरुजी कैसे आज्ञा दे दूं, बेटी भी कह रहे हैं पहली बार घर पर आए हैं, अब बिना कुछ खाए जाएंगे तो बेटी को बुरा लगेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चलो खिलाओ दो दो रोटियां।
ज्यादा हो गया है शायद, भारी भारी सा लग रहा है, नींद भी आ रही है। गुरुजी दोपहर का वक्त है, धूप भी बहुत तेज है, शायद इसीलिए थकान हो गई होगी। आप चाहे तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर चले जाना मीटिंग में। गुरुजी सर तो मेरा भी भारी हो रहा है, पर हमें जल्द से जल्द भादरवड़ पहुंच जाना चाहिए, दिग्विजय जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गुरुजी आंखें बंद हो रही है, गाड़ी चलाना रिक्स होगा। विनोद भाई आप दोनों थोड़ा सा सो लो, तब तक मेरे पति भी आ जाएंगे। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो विनोद थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं। जैसा आप गुरुजी, गुरुजी आप लोग यहाँ पे आराम कर दो, मैं गुरुजी को आराम से अंदर सुला देती हूँ। गुरुजी आप अंदर आइए, मैं आपको कमरे में सुला देती हूँ। आराम से ले जाइए। गुरुजी मैंने ना आपके आराम के साथ साथ ऐश का भी इंतजाम कर रखा है। क्या? ये देखिए ये है नमिता, ये ना आपकी सेवा भी करेगी और आपको सुख भी देगी। क्यों नमिता? ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? ये पूजा, पूजा कहाँ है? गुरुजी नमिता के साथ तो आपका वीडियो बन चुका, अब क्या पूजा का भी बलात्कार करेंगे आप? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? ये किशोर, विनोद कौन हो तुम लोग? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। गुरुजी की आवाज है ये? लगता है गुरुजी ने कुछ ज्यादा ही मजे मार लिए।
दरवाजा खोलो, खोलो तुम लोग, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। विनोद, अरे अरे विनोद, ये सब क्या हो रहा है? क्या कर दिया लोगों ने आप लोगों के साथ? कपड़े पहना कर इज्जत उतारे कि बिना कपड़ों के ही? कौन है आप और क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे इस बकवास की वीडियो बनाई है हमने। आपके पवित्र गुरुजी ने एक निहायत ही अपवित्र रासलीला रचाई है एक नाबालिग लड़की के साथ। झूठ! सच है? चुप! बंद कर वो अपना। सरासर झूठ है। विनोद, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। विनोद, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आप ही ने तो कहा था नमिता से, बालिका मेरे कपड़े उतारो, कहा था ना? हाँ गुरु जी, आपने ही कहा था, और फिर धीरे धीरे आपने मेरे कपड़े उतार दिए। और वैसे भी गुरुजी, इस पूरे कांड का वीडियो है हमारे पास, और शाम तक लोकल न्यूज चैनल के माध्यम से सारी जनता को पता चल जाएगा, आपके भक्तगणों को भी, और हाँ गुरुजी, पुलिस को भी। वैसे इस स्कैंडल का नाम क्या होना चाहिए? मतलब सिंपल गुरु लक्ष्मण प्रजापति का स्कैंडल, या फिर गुरु लक्ष्मण प्रजापति का नंगा नाच, ये कैसा? क्या बिलाल, तू भी दिमाग खर्च कर रहा है। गुरुजी है ना, पूछ लेते हैं। गुरुजी जरा मार्गदर्शन कर दीजिए, हमारी इस चक्रव्यूह का नामकरण कर दीजिए आप। नहीं नहीं, मत करो ऐसा, मेहरबानी करके मत करो ऐसा। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आया, तुम पर विश्वास किया, और अब ये... सुख के साथ दुख है, दुख के बाद सुख है। पैकेज डील है गुरुजी, आप ही के शब्द है ना गुरुजी, सत्संग वाले। सुनो, देखो देखो भाई, ये वीडियो डिलीट कर दो, ये ठीक नहीं है, पाप है ये। पाप? पाप है। पाप नहीं, महापाप है गुरुजी, महापाप। हमारी प्यारी बच्ची नमिता नाबालिग है गुरुजी, नाबालिग। नाबालिग का बलात्कार करना मतलब समझते ना गुरुजी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। क्यों परेशान कर रही हैं आप हमें? गुरुजी, ये रासलीला कैमरा में बंद सबके फायदे का है, अब बाकी आप पर है, इसे कैमरा में बंद ही रहने दे या फिर इंटरनेट टीवी सब में बांटते फिरे। क्या दुश्मनी है मुझसे? मैंने क्या गलत किया है? क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? मैं समझ गया। कितना हुई ना समझदारों वाली बात, सीधा मुद्दे पर आ गए। कितना? तीन। तीन करोड़? तीन करोड़? तीन करोड़? तीन करोड़? भाई चौकिए मत, गुरुजी की इज्जत है, कोई सेल वेल में लगे सस्ते कपड़े नहीं कि पहने और उतार दिए। तीन करोड़ कहां से लाएंगे हम? अरे गुरुजी, वो जो भादरवट वाली जमीन थी वो करोड़ों की तो होगी ना? आपको ये बात कहां से पता चली? गुरुजी ने बताया था कि वो भादरवट जा रहे हैं जमीन बेचने के लिए। गुरुजी बताया। सोच लीजिए गुरुजी, वैसे ज्यादा वक्त तो है नहीं आपके पास। कितना वक्त है बिलाल? केबल न्यूज आधे घंटे में टेलीकास्ट करने वाला है, क्या बोलती हो फुटेज उनको दे दूं? वैसे भी उनकी निकल पड़ेगी, और गुरुजी की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है ना, टीआरपी छत फाड़ देगी गुरुजी। हाँ, लेकिन वो हमें 3 करोड़ रुपए थोड़ी ना देंगे, वो तो 3 लाख में रफा दफा कर देंगे, और गुरुजी हमारे 3 पैसे के भी नहीं रहेंगे। तो छोड़ना गुरुजी को, हम लोग 15-20 सीरीज बना लेते इस फुटेज की, और फिर मार्केट में बेच देते चैनल्स वालों को। और फोन के लिए अलग क्लिपिंग बनवाओ, ज्यादा घुमाने में आसानी होगी और लाखों तक पहुंचेगी। वाह, MMS। बिलाल, गुरुजी कैश कितना, चेक कितना? वो भादरवड़ वाली जमीन मेरी नहीं है, आश्रम की है, ट्रस्ट की। मैं उसका 1 पैसा नहीं रख सकता। ट्रस्ट का नाटक अभी? अच्छा गुरुजी, देखिए आपके वस्त्र तो वैसे ही उतर चुके, अब आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। गुरुजी टाइम खोटी मत कीजिए, अब आप पेमेंट रिलीज करेंगे कि मैं वीडियो रिलीज करवा दूं? क्या करूं भाई, जल्दी बोलो यार, सिटी ब्लू फील्ड मार्केट में दे दूं, पैसा ही पैसा मिलेगा, साउंड और फुटेज जबरदस्त है, और तुम्हारे गुरुजी ने क्या परफॉर्म किया, कर कैसे दे तू? फिर को वो भादरवड़ वाली जमीन का सौदा तो हो जाने दो, मैं दूंगा पैसे। वेरी गुड गुरुजी, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं मोह माया से मुक्ति। अब आपको डर से मुक्ति चाहिए होगी ना गुरुजी, मैं आश्वासन देती हूँ हम देंगे आपको डर से मुक्ति।
अभी हमें जाने दे। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल जरूर जाएंगे आप, हम पहुंचाएंगे आपको हमारे साथ, मतलब आप और आप यहाँ गिरवी रहेंगे पूजा के पास, और हम और गुरुजी जाएंगे भादर। गुरुजी इतने चिंतित मत होइए, समझिए आप पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब किसने फंसाया, कैसे फंसाया, कोई मायने नहीं रखता। आप जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं, और कोई चारा भी तो नहीं है आपके पास। पुलिस के पास जाने का पाप करेंगे तो फिर प्रायश्चित का मौका भी नहीं मिलेगा गुरुजी। और बौखलाए हुए लक्ष्मण प्रजापति समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इस ब्लैकमेलिंग रैकेट में कैसे फंस गए थे, किसने की थी ये साजिश, कब से चल रही थी इसकी प्लानिंग। जमीन की डील लक्ष्मण इसलिए करने चले थे ताकि उनके सर पर मंडरा रहे तकलीफों के बादल हट जाएं, पर अब स्कैंडल के गिद्ध उनके सर पर मंडरा रहे थे और इज्जत को नोचने की धमकी दिए जा रहे थे। पधारो गुरुजी, पधारो। हरिओम गुरुजी। हरिओम दिग्विजय। विनोद जी नहीं आए? वो मेरा एक जरूरी काम था, मैंने विनोद को वहां भेजा है, तो मैं हेतल को अपने साथ ले आया हूँ, ये यहीं विजयपाड़ा की। नमस्ते जी, हम गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। सो तो है, लेकिन गुरुजी आप लोग थे कहाँ? कल शाम से हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मैंने कितने फोन किए विनोद जी को, आपको, लेकिन आप दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चले अंदर। हाँ चलिए गुरुजी। हेतल जी आप भी चलिए ना। जी नहीं, आप लोग आगे बढ़िए, आप लोगों को काम की बातें करनी होंगी ना। हम लोगों को एक्चुअली फुटेज ट्रांसफर करना है। वो गुरुजी आपको बताया था ना कैमरा के फुटेज के बारे में, वही फुटेज। आप लोग आगे बढ़िए। पता रही गुरुजी। गुरुजी आलो। अरे कहीं मिठाई? दिग्विजय ये रहे जमीन के पेपर्स, अब तो मुझे इस जमीन के 6 करोड़ दे दो, और मुझे अभी चाहिए। गुरुजी कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है दिग्विजय। देखो तुम दर्जन बार इस जमीन को देख चुके हो, हमारी आपस में बातचीत भी हो गई है, और 6 करोड़ में सौदा भी तय हुआ है। मैंने ना कब कहा गुरुजी? हाँ तो बस ठीक है, हम लोग पेपर वर्क करते हैं और तुम मुझे इसके 6 करोड़ दे दो। गुरुजी अभी 6 करोड़? हाँ 6 करोड़ मुझे अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए दिग्विजय। क्षमा करें गुरुजी, लेकिन अभी 6 करोड़ रुपए मैं कैसे दे सकता हूँ? तो 3 करोड़ दे दो, मुझे 3 करोड़ चाहिए, मगर अभी चाहिए दिग्विजय, अभी। इस वक्त मेरे पास 3 करोड़ तो क्या, 3 लाख भी नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ बातचीत करने के लिए बुलाया क्यों? गुरुजी क्षमा करें, आप प्लीज बैठिए, बैठ जाइए। देखिए गुरुजी मैं आपके कागजात देखना चाहता था ताकि हम लोग मिलकर दस्तावेज बना सके। पैसे की बात तो हो चुकी है, देखिए मैं आपको 6 करोड़ एक साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, मगर 6-8 किश्तों में। तो ये बात फोन पर बता नहीं सकते थे क्या? जी। अरे पैसे देने की अगर नियत नहीं थी तुम्हारी तो जमीन देखी क्यों, मुझसे बातचीत क्यों की? गुरुजी कुछ तो मामला है, आपने आज तक कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, जरूर कुछ है, बताइए ना क्या बात है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बात क्या है? कोई बात नहीं है। गुरुजी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये सौदा खारिज। जी मैं ये जमीन तुम्हें नहीं बेचना चाहता। हरिओम। गुरुजी मेरी बात सुनिए। अरे गुरुजी मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सांभो। गुरुजी मेरी बात तो सांभो। चलो चलो सौदा खारिज। क्षमा गुरुजी हो रहा है। गुरुजी मेरी बात सांभो। गाड़ी निकालो। हेतल जी ये क्या हो गया गुरुजी को, ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? आप निश्चिंत रहिए मैं देखती हूँ।
जमीन का सौदा नहीं हुआ तो क्या होता? हम ले लेते जमीन। जमीन मेरी नहीं है, आश्रम की है, ट्रस्ट की। वो ट्रस्ट की थी गुरुजी, जब तक आप हमारा ट्रस्ट नहीं जीतते तब तक तो हमारी है ना। आप तो बस 3 करोड़ रुपए ले आओ और जमीन ले जाओ। मेरे पास इतने रुपए है ही नहीं। ठीक है, आज देख लेते आपके पास कितने पैसे। बिलाल एक काम करो, जरा गाड़ी आश्रम की तरफ लेकर चलो। मैं विनती करता हूँ आपसे, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आश्रम में मेरा नाम खराब मत करो, मेरा नाम खराब मत करो आश्रम। हाँ पूजा सुन ना, वो विनोद भाई और किशोर भाई है ना वहाँ पर, उनको जरा आश्रम ले आना। वो क्या है ना, गुरुजी आज आश्रम में प्रसाद बांट रहे हैं। यही है ना गुरुजी, तिजोरी खोले। देखिए यहाँ जो भी पैसा है वो डोनेशन का पैसा है, भक्तों की श्रद्धा है उसमें। गुरुजी पैसा पैसा होता है, चाहे वो आपका हो या भक्तगणों का। और वैसे भी हमारा हिसाब भक्तगणों को थोड़ी ना पता। देखिए इन पैसों का हिसाब रखा जाता है, हम इन्हें छू भी नहीं सकते। तो आप लोग थोड़ी ना छू रहे, वो तो हम छुएंगे। भक्तों को वैसे भी पता चल जाएगा कि पैसे चुराए गए हैं। देखिए गुरुजी, सीडी अगर टीवी चैनल वालों तक पहुंच गई तो कुछ ही घंटों में भक्तगणों को वैसे भी पता चल जाएगा कि चुराई गई है इज्जत एक नाबालिग लड़की की। और चोर कौन? उनके पूज्य गुरुजी। कौन सा जुर्म भक्तगण जल्दी भुला पाएंगे, पैसों की चोरी या सेक्स स्कैंडल? अरे विनोद भाई आप तो समझदार आदमी हैं, आप समझाइए ना गुरुजी को, हमें देर नहीं करनी चाहिए। बिलाल गिन तो जरा। 4 लाख है, पाई पाई का हिसाब रहता है हमारे पास। और हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपने 4 लाख बोला तो 4 लाख ही होगा। गुरु जी उस नाते आपके बनते हैं 2,96,00,000 रुपए। गुरु जी के गले में चैन, हाथों में अंगूठिया। हाँ तो गुरु जी को मोह माया थोड़ी ना है सोने की, त्याग देंगे ना गुरु जी, बोझ भी हल्का हो जाएगा। अरे गुरु जी आप क्या इतना सोच रहे हैं, आपकी इज्जत तो वैसी उतर गई है, अब इन्हें पहन के क्या करेंगे? उतार दीजिए उतार दीजिए। वो चेन आप भी। हाथ जोड़ता हूँ, वो वीडियो डिलीट कर दो। मैं भी हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, पैसे दे दो, 2,96,00,000 रुपए हमें दे दो गुरुजी प्लीज। 7 दिन का वक्त दे रही हूँ गुरुजी, पैसे दे जाओ और जमीन के कागजात ले जाओ और साथ ही साथ वीडियो भी डिलीट कर देंगे। बिलाल वो आजकल की भाषा में कहते हैं ना, पैकेज डील। और हाँ गुरुजी, इस मोह माया से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, धन का दान। हरिओम। गुरुजी विनोद मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूं गुरुजी,
मुझे लगता है पूजा ने हमें कुछ खिला पिला दिया था और बेहोश होते ही सारा कांड कर दिया। सोची समझी चाल थी है हमें जाल में फंसाने की। गुरुजी, हम भी सोच समझकर इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। हर जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता होता ही है। मुझे एक वचन दो। कहिए गुरुजी। चाहे कुछ भी हो, हमारे इस धोखे के बारे में आश्रम में कभी भी किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं वचन देता हूँ गुरुजी। और अपना वो ड्राइवर किशोर? आप किशोर की चिंता ना करें, वो भी किसी को नहीं बताएगा। हरिओम भक्तगणों, दुर्भाग्यवश आज की सभा हमें स्थगित करनी पड़ेगी क्योंकि गुरुजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, बस उन्हें दो चार दिन के आराम की आवश्यकता है। मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अपने अपने घर लौट जाएं। हरिओम। हेलो गुरुजी, फोन नहीं उठाने से क्या होगा? नहीं, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो आपको फोन किया है कि आप मुझे गुड न्यूज दें और मेरी तबीयत झट से ठीक हो जाए। मुझसे नहीं हो पा रहा, इतने सारे पैसे कहाँ से जुटाऊं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं क्या कि मैं वीडियो चैनल्स तक पहुँचा दूँ? एक बात कहूँ, मैंने वो वीडियो दोबारा देखी, इतने भद्दे लग रहे हैं ना, छटे हुए को भी घिन आ जाए। ब्लैकमेलर्स के फोन कॉल गुरु लक्ष्मण प्रजापति पर गोलियों की तरह बरस रहे थे, डर के मारे उनके पसीने छूट रहे थे। क्या करूं विनोद, क्या करूं? गुरुजी, अरे गुरुजी, प्रसाद रेडी हुआ कि नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रहा है कहां से लाऊं इतने सारे पैसे। गुरु लक्ष्मण प्रजापति के लिए पैसा देना नामुमकिन था, पर कोई और विकल्प भी सामने नहीं था। इस जाल से निकलने का दरवाजा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। आप सभी को आज भी घर लौटना होगा, गुरुजी अभी भी बीमार हैं। विनोद भाई, हम जानना चाहते हैं कि गुरुजी को हुआ क्या है। तनाव के मारे गुरु लक्ष्मण प्रजापति अपने रोज के काम तक नहीं कर पा रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी पर अब कई सवाल उठने लगे। कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दो मुझे, थोड़ा सा। जिन्होंने गुरु लक्ष्मण प्रजापति को फंसाया था वो टस से मस नहीं हो रहे थे। धमकियों की रस्सियां कसती जा रही थी और गुरु लक्ष्मण प्रजापति की सुध-बुध धसती जा रही थी। गुरुजी का सभी भक्त गणों के लिए संदेशा है कि भजन कीर्तन करें, चिंतन करें, पर वे स्वयं नहीं आ पा रहे हैं। उनका स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है। गुरु लक्ष्मण पर बढ़ता दबाव उन्हें कोने में धकेल रहा था और उनके ब्लैकमेलर्स उन्हें और दबोच रहे थे, आतंकित कर रहे थे। डर के इस माहौल में गुरु लक्ष्मण प्रजापति के मन में बार बार एक सवाल गूंज रहा था कि यह साजिश कैसे रची गई थी, वो इसमें फंसे ही कैसे। गुरुजी, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, दो दिन से आप पानी पर हैं। चलिए गुरुजी, कुछ खा लीजिए। विनोद, दीपक। दीपक जेठा? हाँ दीपक जेठा, मैंने दीपक को पूजा के घर जाने को कहा था ये पता करने के लिए कि वहां सब ठीक है या नहीं। मारू नाम दीपक जेठा है, मुझे लक्ष्मण गुरुजी ने भेजा है। अंदर आइए ना, आइए। मुझे दीपक से बात करनी है, दीपक से बात करनी होगी विनोद। हरिओम गुरुजी, हुकुम करिए। दीपक, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले विजापारा पूजा के घर जाने को कहा था, याद है तुम्हें? तो मैं गया था वहां पर और उसके बाद तो मैंने आपको फोन भी किया था। दीपक, तुमने कहा था कि पूजा के घर में सब सही है, ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि गुरुजी, मुझे वाकई में लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए कहा था मैंने।
दीपक भाई। धन्यवाद। तो पूजा बेन, आपके मिस्टर कहाँ काम करते हैं? आपने वीटी केमिकल्स का नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ हाँ, अरे इतनी बड़ी कंपनी कौन नहीं जानता। बस वहीं पे काम करते हैं, मार्केटिंग मैनेजर है, तो ज्यादातर दौरे पे ही रहते हैं। क्या नाम है उनका? पराक्षा। गुरुजी ने कहा कि घर जरा देखा हो, सब कुछ ठीक ठाक है ना? अच्छा, तो आप यहाँ पे जासूसी करने के लिए आए थे? गुरुजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो तो है, मैं भी। गुरुजी बताइए क्या हुआ वहां पर? बहुत गलत हो गया है, बहुत ही गलत। क्या? पर गुरुजी, मुझे लगा कि आप इस पूजा बेन से मिल चुके हैं पहले, आपकी जान पहचान होगी। अरे मैं पूजा से कभी मिला ही नहीं। सत्संग सभा में कितने लोग आते जाते हैं, हर रोज नए चेहरे। वैसे तो मैं नजर रखता हूँ, पर इन लोगों तो मैंने भी कभी नहीं देखा। अटपटा सा लग रहा है गुरुजी, जमीन के सौदे जैसी इतनी प्राइवेट बात उनको पता कैसे चली, ये बताइए मुझे। वही तो, कैसे कैसे? गुरुजी, ये एक जबरदस्त साजिश है, प्लानिंग के साथ बनाई गई। अच्छा, बीजी बात, आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो देखा? हाँ? नहीं। तो फिर क्या दीपक? तो फिर आपको मालूम कैसे पड़ा कि वीडियो बनाया गया है? तुम्हारा मतलब है दीपक, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? हो सकता है गुरुजी। दीपक भाई, जब मैं उस कमरे में गया तो गुरुजी की हालत खराब और क्योंकि बेहोशी में से थे वो, तो क्या, तो उनकी जो अवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। और भाई क्या बोलना चाह रहे हो आप, बताइए ना। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। मुझे कुछ याद नहीं है दीपक, मैं होश में नहीं था। गुरुजी, आप डरना बंद कीजिए। देखिए, हम वो वीडियो मांगेंगे उनसे, ठीक है? देखते हैं ना कौन सा बड़ा तीर मारा है उन्होंने, मांगेंगे वीडियो। तो मैं उससे वीडियो मांगूं? अच्छा, तो आप वीडियो देखना चाहते हैं? अपने आप को नंगा देखेंगे गुरुजी? नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वाकई में कोई वीडियो है भी या नहीं। कोई बात नहीं, आज शाम को वर्ल्ड प्रीमियर करवा देते हैं आपके स्कैंडल की, फोन पर, इंटरनेट पर, चैनलों पर। हाथ जोड़ता हूँ मैं, विनती करता हूँ आपसे, पैसे देने से पहले मैं एक बार वो वीडियो देखना चाहता हूँ। तो ऐसा कहिए ना, ठीक है, बिजापुरा हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पर होटल रेड प्लाजा है, वहाँ मिलते हैं, वहाँ दर्शन करवा दूंगी वीडियो की, ठीक है गुरुजी? कब? कल शाम के 4:30 बजे। खाना वाना खा कर आइएगा, सो मत चाहिएगा, ठीक है? क्या बोले गुरुजी? कल दिखाएगी वीडियो। मैं तुरंत दीपक भाई को बता देता हूँ। अरे पधारिए गुरुजी, पधारिए। अरे बैठिए, कोई नहीं आएगा अब, तभी तो बुलाया इस वक्त, ऑफ टाइम है ना। आई आई छोटे गुरुजी, आप इधर आ जाइए। अच्छा, तो आज आप एक नए भक्त को साथ लाए। नमस्कार। अरे हेतल, जानती हूँ मैं इन्हें, ये ना गुरुजी के खास जासूस है, उसने मुझसे पूछताछ करने आए थे। यू दीपक भाई, याद है ना? वैसे हम भी आपको किसी से मिलवाने लाए हैं। यह है रंजना बेन पारेख, महिला शोषण विभाग की अध्यक्ष, पुलिस अफसर। क्या गुरुजी, आप भी इतनी आपके चेहरे के रंग उड़ गए, सबको निर्भयता का पाठ पढ़ाते हैं और आप भी। मजाक कर रहे हैं गुरुजी, ये कोई पुलिस वुलिस नहीं है। तो आपको वीडियो देखनी जो है, दिखाइए फटाफट। बिलाल,
जरा इन्हें पिक्चर तो दिखा, ऑडियंस सीटी मार रही पिक्चर देखने के लिए। वैसे ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखने के लिए तो गुरुजी आपको टिकट खरीदनी होगी, 2,96,00,000 की टिकट। वैसे पैसे देख तो नहीं रहे, कहाँ छुपा के रखे, धोती में? जरा सोचिए गुरुजी, ट्रेलर इतना मजेदार है तो पूरी फिल्म देखने के बाद लोगों के क्या हाल होंगे। ये बहुत बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। पाप ही तो दोने हैं गुरुजी, एक मौका तो दीजिए प्राश्चित करने का। 3 करोड़ के नोटों में नहाकर हम सब अपने पाप धो लेंगे। देखिए, हमें केवल वीडियो देखना था, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो आप फ्री शो देखने आए थे। अच्छा तो गुरुजी, बड़ी इज्जत से बात की अब तक आपके साथ, इसके आगे और बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके फ्री शो देखने का इंतजाम करवा देती हूँ। बिलाल, जरा वो वीडियो चैनल वालों के पास भेज दे और इंटरनेट पर भी अपलोड करवा दे। नहीं, ऐसा मत करो, मेहरबानी करके ऐसा मत करो। क्यों ना करें गुरुजी, आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? इतनी देर से यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है, नाटक चल रहा है, जो ड्रामा कर रहे हो आप लोग? देखिए गुरुजी, आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, इसीलिए सिर्फ आपके लिए 1 और दिन की मोहलत देती हूँ। या तो परसों तक हम 3 करोड़ रुपए के मालिक होंगे, या 3 करोड़ लोगों के सामने आप नंगू पंगू हो जाओ। देखिए, पैसे मिल चुके हैं ना आपको, 4 लाख दिए ना इन्होंने, बाकी के भी मिल जाएंगे आपको, प्लीज। लेकिन थोड़ा समझा करो, इतने पैसे अभी सच में नहीं है, इंतजाम कर रहे हैं हम, थोड़ा वक्त लगेगा। अब आप हमारी शराफत और अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर कल तक पैसे नहीं मिले ना, तो ये वीडियो ऑन एयर हो जाएगा। चलो, सर वो लेडीज लोगों ने ऑर्डर दिया था उसका भी। धमकी में दम था, वीडियो असली था, धोखे से ही सही, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गुरुजी लक्ष्मण प्रजापति एक नाबालिग लड़की के साथ बेडरूम में एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, एक आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे थे। अब गुरुजी लक्ष्मण प्रजापति और उनके 2 साथी विनोद और दीपक कर करा के भी क्या कर पाते। बदनामी के बादल घने होते जा रहे थे, स्कैंडल की बारिश बहुत महंगी पड़ सकती थी। $4,00,000 डोनेशन की रख ली, जमीन के कागजात अलग से ले लिए, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं सबको, आंख कैसे मिलाऊंगा किसी से। एक ही रास्ता है गुरुजी। क्या? पुलिस के पास चलते हैं, सारी की सारी सच्चाई बता देता हूँ। अरे कि कैसे कैसे बहकी बातें कर रहे हो तुम दीपक, पुलिस वीडियो देखेगी तो पता चलेगा कि लड़की तो सचमुच नाबालिग है। कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा कि मुझे बेहोश किया गया था, फंसाया गया था, और सबसे पहले तो पुलिस मुझे ही अंदर कर देगी। देखिए, मुझे लगता है इस समस्या से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, पैसे दे देते, जैसे तैसे जुगाड़ हो बस दे देते। जुगाड़ 3-4 लाख का हो सकता है विनोद भाई, 2,96,00,000 का नहीं। अरे हमारे बहुत सारे भक्तगण अमेरिका में भी तो हैं, रईस हैं, उनसे ज्यादा डोनेशन ले लेंगे। कितना ज्यादा मांगेंगे आप? हाँ, जैसे ही ज्यादा आप मांगेंगे उनके कान खड़े हो जाएंगे, उनकी नाक सूंघ लेगी कि कुछ ना कुछ तो गलत पक रहा है यहाँ पर। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। गुरुजी देखिए, आप टूटिए मत, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पुलिस पर भरोसा कीजिए, उन्हें परख होती है सही गलत की। अरे नहीं नहीं दीपक भाई, पुलिस में जाएंगे कुछ ऊंच नीच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। अरे अनर्थ वनर्थ की बातें मत सोचा करो विनोद भाई, आप समझो जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है वो एक फ्रॉड है। चलिए मानिए, पैसे जुगाड़ लिए, उनको दे दिए, कोई गारंटी है कि आगे से वो पैसे नहीं मांगेंगे? गुरुजी हम क्यों डरे, हमने कुछ गलत किया है? गलत उन्होंने किया है, वो भी आपके साथ। विनोद विनोद
दीपक, दीपक ठीक कह रहा है। अरे गुरुजी। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना दीपक। बोलिए। हर काम प्राइवेट में होना चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी एक जान पहचान वाले पुलिस ऑफिसर है, मैं उनसे बात करता हूँ पहले। कब हुआ ये? जी वो पिछले बुधवार को। वीडियो की कॉपी दी उन्होंने? नहीं सर, वो तो कल ही देखी हम सब ने। आज शाम तक का वक्त दिया है उन्होंने, अगर पैसे नहीं दिए तो। एक पैसा नहीं देंगे आप उन्हें, और वो जो 4 लाख है वो भी हम बरामद कर लेंगे। देखिए, दो चीजें तुरंत करनी है। पहली, उन तक पहुंचकर वो वीडियो क्लिप हासिल करनी है, और दूसरी ये पता लगाना है कि इस गिरोह ने चुन चुन कर आप ही को निशाना क्यों बनाया। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। ये पूजा शाह, हेतल, नमिता, रंजना पारेख, ये लोग है कौन? एनी आइडिया? और एक और आदमी भी इन्वॉल्व है ना, क्या नाम है उसका? सर वो हेतलों से बिलाल बुला रही। चौहान एक काम करो, सबसे पहले उस हाउसिंग कॉलोनी जाओ। क्या नाम बताया उस सोसाइटी का? सर 26/4 और श्री बलराज कॉलोनी विजापरा। उस औरत ने अपना नाम पूजा शाह बताया था, और पराग शाह उसके पति का नाम सर। और बीटी केमिकल्स अहमदाबाद, आपको तो पता होगा, उसमें उसका पति काम करता है मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर। श्री बलराज कॉलोनी ये विधान चौक वाली ना? जी सर। चौहान तुरंत निकलो और सिविल में जाना, मामला थोड़ा नाजुक है। सर। देखिए लक्ष्मण जी, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप निश्चिंत रहिए, हम इस गैंग को जल्द ही धर लेंगे। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है इंस्पेक्टर। पूजा शाह का घर है? नहीं सर, ये अंसारी का घर है। क्या बात है? 26/4 श्री बलराज कॉलोनी यही है ना? जी हाँ, 26/4 श्री बलराज कॉलोनी यही है, लेकिन मेरा नाम पूजा शाह नहीं है, नसरीन अंसारी है। किसी पूजा शाह को आप जानती हैं, मतलब आसपास रहती हूँ? देखिए, पहले कभी तो ये नाम नहीं सुना, कोई नया आया होगा तो हम कह नहीं सकते। क्या बात है? गुरु लक्ष्मण प्रजापति क्या इस घर का शुद्धिकरण करने के लिए आए थे? या अल्लाह, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? अभी अभी मैंने आपको अपना नाम बताया, ये एक मुसलमान का घर है, हम भला पूजा पाठ क्यों करने लगे? और आप लोग हैं कौन? देखिए, हम लोग पुलिस वाले हैं, एक केस की छानबीन कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि पूजा शाह इस एड्रेस पर अपने पति पराग शाह के साथ रहते हैं। पराग शाह? तो पूजा शाह पराग शाह की बीवी का नाम है? हाँ, वही जानती हैं आप उन्हें? जी, लेकिन वो लोग 62 में रहते हैं, प्रजनाथ कॉलोनी में। ओह, शायद हमें गलत एड्रेस दिया गया, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। जी कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। पूजा शाह? पूजा शाह? मैं नताशा मेहता हूँ। पूजा शाह कौन है? पूजा शाह यहाँ नहीं रहती अपने पति पराग शाह के साथ, वो वीटी केमिकल्स में काम करते हैं। नहीं, आप लोग गलत पते पर आए हैं, मैं किसी पूजा या पराग शाह को नहीं जानती। नहीं सर, 26/4 करेक्ट एड्रेस है, मैं विनोद के साथ पहुँचता हूँ अभी। हाँ सर, ओके। सर कुछ गड़बड़ लग रही है, चौहान साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई पूजा शाह करके रहती नहीं है, वहाँ पर नसरीन अंसारी रहती है, कैसे हो सकता है सर? देख कर आओ। ठीक है सर, विनोद चलिए।
तो चली गई। क्या मैं बेवकूफ तो नहीं बना गई? सर घर तो यही था, 101% यही था। घर तो ये था सर, पर ये सब नहीं था तब। दरवाजे पर स्वस्तिक और शुभ लाभ के स्टिकर्स थे, जिस पर गुरुजी ने तिलक भी किया था। सर वो उस वक्त मैंने उस लेडी का अपने फोन में फोटो ले लिया था। हाँ दिखाओ। एक सेकेंड। यही तो है पूजा शाह। देखिए जी बिल्कुल यही है पूजा। और हमसे कह रही थी कि नसरीन अंसारी है। अच्छा तुम बता रहे थे कि पूजा ने तुमसे कहा था कि उसका पति वीटी केमिकल्स में काम करता है। सर कहा तो यही था उसने। सर वैसे पूछने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने वीटी केमिकल्स में पूछताछ की, कुछ हाथ नहीं लगा। चौहान मुझे लगता है ये पूजा शाह और पराग शाह दोनों झूठी आइडेंटिटीज हैं। इन लोगों ने बड़े अच्छे से चूना लगाया है इस गुरुजी को, पर ये लोग हैं कौन और इन लोगों ने गुरुजी को अपना निशाना कैसे बना लिया? सर 26/4 श्री बलराज कॉलोनी, जहाँ नसीन रहती है, एक किराए का मकान। इसके मकान मालिक से इस नसीन अंसारी और पूजा शाह की डिटेल्स मिल सकती है। नसीन अंसारी, ये असली नाम है पूजा का? पुलिस को तो यही बताया उसने, पर पूरी संभावना है कि ये उसका नसरीन नाम झूठा हो। पर मुझ तक पहुंचे कैसे और क्यों? मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि उनकी गिरोह का कोई आदमी हमारे आश्रम में जरूर है। हमारे आश्रम में? भला क्यों? लालच। लालच वो क्षमा है जो इंसान को परवाना बना देती है। ये पैसों की लालच है, उन्होंने सब कुछ पैसों की वजह से किया है। अब क्या होगा? उन्हें पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए हैं और वो वीडियो अभी उन्हीं के पास है। देखिए ये ताला वो ताला नहीं है जो मैंने नसरीन को दिया था। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो आप बेशक ये ताला तोड़ सकते हो, कोई बाधा नहीं है। मुमदास जी, हम इस नसरीन अंसारी तक पहुंचना चाहते हैं। उसने काफी बड़ा फ्रॉड किया है। आपके पास उसके बारे में जो भी जानकारी है सब हमें बता दीजिए, फैमिली, दोस्त, फोन नंबर, सब कुछ। मुझे तो बस इतना मालूम है उसका शोहर कादिर भाई अहमदाबाद में कहीं काम करता है और 2-3 महीने में एक दफा यहाँ विजापरा में आता है नसरीन से मिलने के लिए। बच्चे? 2 है, छोटे हैं। दो छोटे बच्चों के साथ वो कैसे भाग गए? वो मुझे कैसे मालूम साहब। आपके घर में कब से रह रही है? 8 महीने हो गए हैं। एक मुसलमान के घर में शुद्धिकरण हवन क्यों करवाया हूं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप लोगों की मामला बता ही नहीं रहे हो, किया क्या है नसरीन की बच्ची ने? मुमताज जी, नसरीन ने एक हिंदू गुरु लक्ष्मण प्रजापति को पूजा शाह बन के ठगा है। कैसे? पहले उसने उनको यहाँ पे शुद्धिकरण करने के लिए बुलाया और फिर धोखे से उनके साथ अश्लील वीडियो बनाया और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। ये सब मेरे घर में हुआ था? या अल्लाह, इस पूरे कांड का बीज कहीं अतीत में बोया गया होगा। सर इसके अलावा 4 लोग और थे, हेतल, नमिता, रंजना, पारिक और बिलाल। आपने ये 4 नाम सुने पहले? बिल्कुल नहीं, ऐसे लोगों से तो मैं कोसों तक दूर रहती हूँ। चौहान मुझे लगता है एक प्रॉपर मास्टर प्लान बनाया गया था। एक औरत किसी दूसरे नाम से लक्ष्मण प्रजापति को फांसती है, उन्हें ड्रग किया जाता है, उनके साथ एक अश्लील वीडियो बनाया जाता है और फिर ब्लैकमेल। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही लीड है सर, नसरीन अंसारी और पूजा शाह। चौहान ये हेतल, बिलाल, नमिता, रंजना ये सब भी उर्फ उर्फ उर्फी होंगे। हमें इन झूठे नामों के पीछे छुपे असली चेहरे पहचानने होंगे। इस केस की तहकीकात के पहले ही दिन एक झटका देने वाला सुराग था। घर का शुद्धिकरण करवाने वाली पूजा शाह दरअसल नसरीन अंसारी नाम की एक शादीशुदा गृहिणी थी, 2 बच्चों की माँ, जो पुलिस टीम की नाक के नीचे से फुर हो गई थी। इस गिरोह के दूसरे खिलाड़ी कौन थे? इस गैंग का आका कौन था? इन क्रिमिनल्स के हाथों में बॉम्ब था, वो धोखे से बनाया गया वीडियो जो गुरुजी लक्ष्मण प्रजापति और उनके आश्रम के नाम की धज्जियां उड़ा सकता था। साथ ही उन्हीं हाथों में थे आश्रम की जमीन के कागजात। इस खतरनाक और ढीठ ब्लैकमेल गैंग को जल्द से जल्द पकड़ना बेहद जरूरी था, इसके पहले कि वो बम फट जाता।
हमारे पास उन चारों में से किसी की कोई फोटो नहीं। हम इतने बौखलाए हुए थे कि हमने फोटो वगैरह खींचने की हिम्मत ही नहीं की। हमारे आश्रम की जमीन के कागजात भी उन्हीं के पास है। कहाँ है ये जमीन? ये भादरवड़ में। और इस जमीन का सौदा आप किसके साथ करने वाले थे? दिग्विजय ठक्कर, वहीं के एक बिल्डर है। सर, नसरीन अंसारी का फोन नंबर नया है। एड्रेस है 26/4 श्री बलराज कॉलोनी। फोन सिर्फ इसी काम के लिए यूज किए गए, सारे कॉल्स गुरुजी को किए गए। हेतल और बिलाल के नंबर्स? सेम स्टोरी सर, सबके नए नंबर्स और सिर्फ इसी काम के लिए यूज किए गए। किसी के भी फोन रिकॉर्ड से कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। इस गैंग ने अपना काम काफी चालाकी से किया। सर, भादरवड़ में बिल्डर दिग्विजय ठक्कर पर एक टीम लगा दी गई, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। हाँ, मैंने उन दोनों को देखा था। गुरुजी के साथ एक लड़की थी और एक लड़का। लड़की का नाम हेतल था और लड़के का नाम बताया नहीं। अपना फोन नंबर दीजिए सर। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ पूछें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन गुरुजी यहाँ पर आए थे, वो बहुत बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान कोई और ही है। वो बहुत टेंशन में थे। मुझे तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। अटपटा तो है, अब ये किसने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये सब बहुत जल्द पता चलेगा। आप अभी अपने नंबर्स दीजिए। सर, दिग्विजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, चेक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला। और वो दीपक और विनोद और ड्राइवर किशोर, उनके कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं मिला सर। और खुद लक्ष्मण? नो सर। अच्छा चौहान, जब से हम इस केस में इन्वॉल्व हुए हैं, ब्लैकमेलर्स की तरफ से कोई कॉल्स नहीं आए हैं, राइट? राइट सर। गुरुजी, आज आपको सत्संग सभा को संबोधित करने जाना ही होगा। नहीं नहीं विनोद, जब मेरा खुद का दिल और दिमाग स्थिर नहीं है तो मैं भक्तों के सामने कैसे जाऊंगा? पर गुरुजी, भक्तगण बेचैन हैं, परेशान हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आपको क्या हुआ है। और मैं आपको बता दूं, उनको पता लग गया है कि पुलिस यहाँ आ जा रही है। हे भगवान, कैसे पता चला ये? गुरुजी, भक्तगण बच्चे नहीं है ना, मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस को इसके बीच में ना डालें। नहीं विनोद, मैं इस बात से सहमत नहीं। अब देखो ना, जब से हम पुलिस के पास गए हैं, उनके फोन आने तो बंद हो गए। हाँ, पर वो वीडियो तो उनके ही पास है ना, और वो भादरवड़ वाले जमीन के कागजात भी। सर, ये लोग इतने प्रोफेशनल लगते हैं कि जमीन के पेपर्स के साथ फॉर्जरी कर सकते थे, इसलिए मैंने लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस को रेड अलर्ट पर डाल दिया। साइबर सेल को भी रेड अलर्ट पर डाल दो, कहीं ये लोग वो वीडियो अपलोड ना करते। राइट सर। और अहमदाबाद में काम करने वाले नसरीन का पति कादिर और वो दो बच्चे, उन पर कोई लीड? नहीं सर, उन पर कोई लीड नहीं मिली। दरअसल ये मकान मालिक मुमताज और नसरीन के बीच कोई फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं हुआ था। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि नसरीन और कादिर लोगों से दूर दूर रहा करते थे। चौहान, हमें जल्द से जल्द कोई ठोस सुराग चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये दूर दूर रहने वाले लोग हमसे इतने दूर चले जाए कि हमेशा के लिए गायब हो जाए। नसरीन अंसारी और पूजा शाह के घर पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी गई। गुरु लक्ष्मण प्रजापति को अब इस गिरोह के टेलीफोनिक आतंक से तो राहत मिली थी, पर उनके सर पर बदनामी के डर के गिद्ध बराबर मंडरा रहे थे। खबरियों की टीम्स को काम पर लगा दिया गया, पर वो हर कोने से खाली हाथ लौट रहे थे। इलाके में हुए ऐसे दूसरे केसेस की फाइल्स खोली गई, सारे हिस्ट्री शीटर्स की पूछताछ हुई, पर नतीजा जीरो। सब चाय। ए सुन। हाँ? बोलो। बोलना नहीं है मुझे, कुछ पूछना है। क्या? अव्वल नंबर के क्रिमिनल्स भी अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनकी करतूतें हर बार एक सुराग तो पीछे छोड़ ही जाती हैं। साहब, वो होटल में जो गुरुजी गए थे, जहाँ वो लेडीज लोग मिली थी। हेतल, पूजा और रंजना, बिलाल भी था साथ में। आगे बोलो। जी साहब, और ये जो रंजना है ना, ये रंजना पारिक है। ये तो मुझे भी पता। आगे तो सुनिए साहब। हाँ, वो तीन औरतें जो साधु से बात कर रही थी। हाँ, वो पूजा, हेतल और रंजना। हाँ, रंजना, रंजना बिन पारेख है वो। इधर आती है? हाँ आती तो है, लेकिन इस हफ्ते दिखाई नहीं दी, वरना हर दूसरे तीसरे दिन आती है। क्या करती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, तू जो जो भी उसके बारे में जानता है ना, सब जानना है मुझे।
साहब वो लिखती है। लिखती है? वो कोई अखबार अखबार की संपादक है। अखबार की संपादक? कौन सा अखबार? ऐसे ही छोटा मोटा वो फ्लॉप सा, वो हकीकतों का सामना न्यूज़पेपर। हकीकत का सामना? हाँ हाँ, हाँ पढ़ा मैंने, क्राइम स्टोरी छापते हैं। लेकिन साहब एक महीने से नहीं छप रहा है, घाटे में चल रहा था, अब कंगाली पर अटक गया है। अब जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो रंजना पारेख तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। बोलिए। आशीष पारेख जी, आप? पुलिस, हमें रंजना से बात करनी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरी पत्नी ब्लैकमेल रैकेट में? सर जी, शी इज एन एडिटर। ओके, हकीकत का सामना उसके एडिटर लोग, प्रेस समझते हैं ना आप लोग? आप लोगों को भयंकर गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो आपकी दूर होने वाली है। कहाँ है रंजना? ओ, मुझे पता नहीं है। पति को पता नहीं है कि पत्नी कहाँ है? गुरुजी, सर कंफर्म्ड, ये वही औरत है जो गुरुजी दीपक और विनोद को रेस्टोरेंट में मिली थी। आशीष जी, आपकी पत्नी का फोन बंद है, एक महीने से अखबार बंद है। अब बहुत जल्द आप दोनों के बैंक अकाउंट्स बंद होंगे, फिर ये घर बंद होगा, क्योंकि आप दोनों लंबे अरसे तक जेल में बंद होने वाले हैं। किया क्या है रंजना ने? किसका ब्लैकमेल किया है? क्यों? ये सवाल आप अपनी पत्नी से कीजिएगा जब वो आपको कांटेक्ट करेगी, और वो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेगी, और हमारा एक मैसेज उन तक पहुंचा दीजिएगा कि वो खुद को सरेंडर कर दे। ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा और आपकी भी। गुरुजी, पुलिस बता रही थी कि एक अखबार की संपादक है, हकीकत का सामना। संपादक है जी? और ऐसा व्यवहार मुझसे, ऐसी क्या दुश्मनी? और बाकी के लोग, वो पूजा, हितल, बिलाल, नमिता, उनका कुछ पता चला? उन्होंने बताया कि अगर ये पकड़ी जाए ना तो वो सभी हाथ लग जाएंगे। सर ब्रेकिंग न्यूज, रंजना पारिक सेशंस कोर्ट गई थी एंटीसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन फाइल करने, और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अच्छा, तो अब क्या करेगी? हाई कोर्ट जाएगी, और उसे क्या लगता है हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? उसके अकाउंट्स तो ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं, क्रेडिट कार्ड्स चलेंगे नहीं, पेट्रोल कब तक चलेगा, भूखी कब तक रहेगी, खुद ब खुद हाजिर होगी, देखना। हेलो इंस्पेक्टर बारोट, मैं रंजना पारिक। ओहो रंजना जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, 100 साल तक जिएंगी आप। अब उसमें से बता नहीं सकता कितने साल आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी और कितने साल आप जेल में चक्की पीसेंगी। बारोट साहब, फ्रैंकली मैं इन सब में उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ मतलब? ये उतना कितना होता है रंजना जी? एक काम कीजिए ना, हमारे थाने आइए, चाय पर बातें करते हैं, लेकिन इंटरव्यू हम लेंगे। देखिए मैं आने से मना नहीं कर रही हूँ, और मैं आके आपको सब कुछ बता भी दूंगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड, एक्चुअली मैं इसमें फंस गई हूँ। रंजना जी, आपकी ये फंसने फंसाने की हकीकत का सामना हम आमने सामने बैठकर करते हैं। जरा हम भी तो जाने कि जुर्म की कहानियां छापने वाली संपादक खुद एक आरोपी कैसे बन गई। ब्लैकमेल के बादल हल्के से छटने लगे थे और उम्मीद की किरणें इस केस पर गिरने लगी थी, लेकिन स्कैंडल की बारिश का खतरा बरकरार था, पर जो गरजने जा रहा था वो स्कैंडल के शौक से परे था। इस जुर्म के ड्रामे का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन टॉप क्लास था, इसके मंजे हुए कलाकारों के असली जीवन के किरदार इस केस का सबसे चौंका देने वाला पहलू साबित हुआ। रंजना ने सरेंडर कर दिया है गुरुजी। और वो बाकी के लोग, वीडियो, जमीन के कागजात? पूछताछ चल रही है, पुलिस रंजना से पूछताछ कर रही है गुरुजी।
सब कुछ जल्द सामने आ जाएगा। और अभी मेरी बारोट साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि गुरुजी को कहिए चैन की सांस ले, अब हम खतरे से बाहर हैं। गुरु लक्ष्मण प्रजापति को मैंने निशाना नहीं बनाया इंस्पेक्टर, एक्चुअली मैं इस प्लान में काफी बाद में शामिल हुई। आपकी एंट्री पर्दा उठने के काफी बाद हुई, पर पहले अंक के खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने सही वक्त पर एंट्री ली और बखूबी अपना किरदार निभा गए? हेतल, नमिता, नसरीन उर्फ पूजा, बिलाल, और भी कोई एक्टर्स थे? बैकस्टेज टीम तो डेफिनेटली होगी, टेक्निकल सपोर्ट टीम भी होगी, और सबसे अहम सवाल, स्पॉन्सर्स कौन है इस नाटक के? मैं ये सब नहीं जानती, पर हेतल और बिलाल ये दोनों मेरे एम्प्लॉयज हैं। एम्प्लॉयज मेरे साथ काम करते हैं हकीकत का सामना में। क्या काम करते हैं? सर प्लीज उन चारों का एड्रेस बता दीजिए ना, उन चार सस्पेक्ट्स का। हाँ अरे सर कौन सा टॉप सीक्रेट है? सर देखिए आप तो अपनी ड्यूटी कर चुके, उन चारों को अंदर कर दिया, अब थोड़ी रोजी रोटी हमें भी कमा लेने दो सर प्लीज। बता दो ना क्या है उन चारों का एड्रेस। हाँ हाँ अभी अभी सर हम रेडी। बिलाल बिलाल जल्दी पर कैमरा पैक कर, मोइन गाड़ी जाना है। अभी असाइनमेंट्स आए, फोटोग्राफर हूँ, कोई मशीन थोड़ा ना यार। अबे ओ हम लोग रिपोर्टर है, सांस लेने बैठ गए ना तो सनसनी क्रिएट करेंगे। चलो अभी। हेतल मेरी चीफ रिपोर्टर है और बिलाल हमारा फोटोग्राफर, इन दोनों ने मिलकर ये प्लॉट बनाया है। क्या प्लॉट बनाया रंजना जी? आई हैव नो आइडिया सर, मुझे नहीं पता। ये दोनों मेरे पास आए और बोले कि इन्होंने एक कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है, सेक्स स्कैंडल है, गर्मा गर्म है। क्यों मैम है ना वीडियो कड़क? क्या खाक कड़क है, साफ पता चल रहा है कि लड़की जबरदस्ती कर रही है उस आदमी के साथ। ऐसा लग रहा है आदमी को किसी ने ड्रग्स देके फंसाया है। ऑब्वियसली लगेगा क्योंकि हमने फंसाया उन्हें, हमने जाल फेंका और वो लल्लू की तरह उसमें आकर फंस गए। लल्लू ये नहीं, लल्लू तुम दोनों। हेतल ऐसे वीडियोस चैनल कभी भी नहीं दिखाएगा, और ऐसे गलत वीडियोस दिखाने के लिए ना चैनल को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सो आई थिंक यू शुड चक योर प्लान, जस्ट डोंट, ऐसा नहीं हो सकता। मैम ये स्टिंग हम चैनल्स के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तो फिर ये हमारे 2 BHK और सेडान कार का फाइनेंस प्लान है मैम। तुम लोगों का ना एक्चुअली दिमाग खराब हो गया, तुम लोग इसे ब्लैकमेल करोगे? अरे क्राइम रिपोर्टर्स हो, क्रिमिनल्स बनोगे क्या? क्राइम रिपोर्टर्स है मैम, कहाँ है, कौन सा क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं, सैलरी कहाँ मिलती है, इससे पहले भी आपने कौन सी सैलरी दी है मैम? और मैम वैसे भी हम कोई टॉप न्यूज चैनल्स वाले नहीं है, ये पॉलिटिशियंस ये इंडस्ट्री वालों को जेब में लेके घूमते हैं। एग्जैक्टली इसीलिए बिलाल ने और मैंने ये प्लान सोचा किसको फंसाया जा सकता है। गुरुजी एकदम सही टारगेट लगे, वैसे भी उनका अच्छा खासा आश्रम है, मैंने खुद जाके देखा है उनके सत्संगों में। 3 करोड़ मांगे हैं मैम, जिसमें से 4 लाख रुपए हम ऑलरेडी ले चुके हैं आश्रम से। और तो और आश्रम की जमीन के कागजात, जो जमीन करोड़ों की है कम से कम 6 करोड़ मानकर चलिए। लेकिन फंस सकते हैं ना? अरे फंस तो गुरु जी गए हैं, वो तो कठपुतली है, हम बस डोर खींच रहे हैं। और अगर वो पुलिस के पास गया तो? कोई चांस नहीं मैम, आप पुलिस तो छोड़िए वो आश्रम में भी किसी को नहीं बता सकते। मैम कैमरा पे फुल नेकेड है, वो भी एक 16-17 साल की लड़की के साथ, गुरुजी तो बेचारे ये समझ बैठे कि हम सचमुच उस स्कैंडल को टेलीकास्ट कर देंगे। 3 करोड़ है मैम, सोच लीजिए बांट सकते हैं। अच्छा ये जो वीडियो में लड़की थी इसको भी शेयर देना पड़ेगा? ऑब्वियसली कोई बिना पैसों के ऐसी वीडियो क्यों निकालेगा अपनी, है ना? उसके साथ एक और लेडी है। अब मैम नाउ थिंक अबाउट इट एंड टेल मी, आर यू इन और आर यू आउट? मैं लालच में आ गई थी सर और इस स्टुपिड से प्लान में शामिल हुई, पर एक्टिवली मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ट्रस्ट मी। उस पूजा को तो मैं सिर्फ एक ही बार मिली हूँ, अब उसका नाम नसरीन अंसारी है कुछ और मुझे नहीं मालूम। रंजना जी आप कोर्ट में जज को आराम से कन्विंस कीजिए कि आप इस क्राइम में उतना इन्वॉल्व नहीं थी, आप लालच में आ गई वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल हमें बताइए कि ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वाली टीम कहाँ है? बताऊंगी पर एक शर्त पर। रंजना जी आप एक क्रिमिनल केस में एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर के सामने शर्त रख रही है, सीरियसली? सो सॉरी, शर्त नहीं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको जाने दे। जी, यस।
मैडम ये मेहरबानी तो आप खुद पर उसी वक्त कर सकती थी। अपने लालच पर काबू पाकर अपने इन दोनों एम्प्लॉयज को सीधे कानून को हैंड ओवर कर सकती थी। इजी मनी के चक्कर में आप बहुत ही सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में फंस चुकी हैं। पर मुझे फंसना नहीं है। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। इस वक्त आप हमें बाकियों के ठिकाने बताइए और जल्दी कीजिए, वक्त करोड़ों से कीमती है। मैंने खुद आपके इन्फॉर्मर को फोन किया सर, काफी अजीब बात है, कोई चार दिन रूम से ना निकले, अजीब ही है ना सर। कौन? डिलीवरी बॉय। पूरे 2,96,00,000 कैश। फिलहाल बेटा दरवाजा नहीं खोलेगा, देख अगर तू नहीं खोलेगा तो अपने तरीके से डिलीवरी दे। अरे खिड़की से बाहर जाने की तो नहीं सोच रहा कहीं? मेरे आदमी बाहर ही खड़े हुए, देखते ही गोली पड़ेगी। चल बेवकूफी मत कर, बाहर निकल। आजा। अरे आ जा। अरे सामान की चिंता मत कर, वो हम ले आएंगे। ले आ भाई, आ जा। अरे घबरा क्यों रहा है तू? हाँ पता है ना, जेल में सबको सबका हिस्सा मिलेगा, पर तेरे लिए कुछ खास है, पैकेज डील। ये सब होटल के रूम से रिकवर हुआ सर, कुछ पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। और वो बाकी के तीन, हेतल, नमिता और नसरीन? एक टीम खोड़ादर गई है सर, इस नसरीन का मैका है वहाँ पर जहाँ वो छुपी बैठी है। हेतल का अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, इनफैक्ट इस बिलाल को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। सर सर वो हेतल आई है, सरेंडर करना चाहते। आइए आइए हेतल जी, वेलकम। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करके। वैसे ये खुद को सरेंडर करने का पवित्र विचार आपके दिमाग में आया कहां से? देखिए सर, मैं बस इतना कहने आई हूं कि मैंने कि कुछ आपने कुछ नहीं किया, हम भी आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। और आपकी मंडली में वो दो और सदस्य है ना, नमिता और नसरीन, वो भी ऑन द वे ही है। बस एक बार वो दोनों आ जाएं, फिर हम आप तीनों की जम के पूजा करेंगे। मैडम 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 सुनिए ना मैडम, मैंने कुछ नहीं किया है मैडम, जो जो हेतल दीदी ने कहा था ना, मैंने सिर्फ वैसे ही किया है मैडम, सच में कसम से है। तो ठीक है ना, अब तेरी हेतल दीदी के साथ जो होगा ना वो तेरे साथ भी होगा। नहीं कोई बताएगा भी? मैडम किया क्या है मेरी नसरीन ने, दो दो बच्चों की अम्मी है बेचारी। आपकी नसरीन ने एक भले आदमी के साथ बहुत बुरा किया है, ले चलो इसे। चलो मैडम, मेरी नसरीन ऐसा नहीं कर सकती। देखिए ना, अगर कुछ हो सकता है तो हो सकता है। अब देखना करना सब लॉकअप में नसरीन। देखिए प्लीज रहम कीजिए मुझ पे, मेरे मासूम बच्चे, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी प्लीज। ना घर खुद जला दिया और अब रहम की भीख मांग रही है, ऐसा होता है क्या? मैम गुरुजी सबके सब पकड़े गए, अभिनंदन। वीडियो कागजात? गुरुजी आपकी चैन और अंगूठी बरामद हुई है, 4,00,000 में से कुछ पैसे तो उन्होंने उड़ा दिए लेकिन बाकी के पैसे मिल चुके हैं, जमीन के कागजात भी मिल चुके हैं गुरुजी, पर वीडियो अभी तक सामने नहीं आया गुरुजी। नसरीन उर्फ पूजा, बस तुम्हारे ही किरदार की एंट्री बाकी थी इस क्लाइमैक्स के लिए। अब जब तुम आ ही गई हो तो खुलासा कर दो, बता ही दो कि आखिर क्या सस्पेंस है इस नाटक का। सर मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये सब क्या है क्या नहीं है। इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे तो मैंने वही किया जो इन लोगों ने मुझसे करने के लिए कहा। क्या नसरीन, तुम भी वही रटी रटाई लाइनें बोल रही हो? हाँ कुछ तो अलग करो। और स्क्रिप्ट राइटर मैडम कितना बांध के रखती है आप अपने कैरेक्टर्स को, कभी तो मौका दीजिए इन्हें इम्प्रोवाइज करने का। सर सबसे पहले ये आइडिया मुझे आया था, फिर मैंने बिलाल को इन्वॉल्व किया। और आश्रम से कौन इन्वॉल्व था, तुम्हारा इन्फॉर्मर या तुम्हारा बॉस था वहां पर जिसने तुम्हें जमीन के बारे में टिप दी या फिर ऑर्डर दिया? कोई नहीं था वहां से, कोई इन्वॉल्व नहीं था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि जमीन की डील होने वाली है? वो तो नसरीन से फोन पर बात करते हुए गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया था। जी जी सर। और ये नसरीन और नमिता तुम्हारे टच में कैसे आए?
पैसे कितने मिलेंगे? 50,000। 50,000? दीदी काम क्या है? नहीं दीदी, मैं पैसे के लिए किसी के साथ सो वो नहीं सकती। अरे यार, बस एक किस करना है, इतना तो कर सकेगी दीदी। और कपड़े? देख तेरी शक्ल तो नहीं दिखेगी, पर हाँ इधर उधर से मैं बॉडी दिखानी पड़ेगी। अब सोच ले, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, पूरे 50,000 देने वाली हूँ। दीदी वीडियो किसका निकालना है? है एक गुरुजी। गुरुजी? तू आम खा, पेड़ क्यों गिन रही है? लेकिन दीदी पैसे कौन देगा? भाई गुरुजी देंगे। ओ नखरे वाली, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, समझा? सामने से बोल रही हूँ, ब्लैकमेल करने वाले हैं। अब आगे तेरी मर्जी। ब्लैकमेल? दीदी ये तो फंसने वाली काम है ना। नहीं दीदी, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। हाँ तो फंसे रहना जिंदगी भर गरीबी में, करते रहना थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ये सब। जिंदगी भर फंसे रहना इस दलदल में, चलेगा तुझे? नहीं दीदी, मुझे इस दलदल से निकलना है। मैं करूंगी दीदी। मुझे एक और औरत चाहिए। एक और क्यों? कोई ऐसा चाहिए जिसका घर हम इस्तेमाल कर सके, इसलिए। अगर आपको पैसे बनाने हैं ना तो मैं अपने प्लान में शामिल कर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पैसे किसे नहीं पसंद है। नसरीन दीदी, ये लोग हैं वो जो मैंने आपको बताया था अपना प्लान। मैं तैयार हूँ दीदी। पक्का ना? पक्का। बाद में मुकरोगी तो नहीं? जुबान दी है। एक प्रॉब्लम है। क्या? औरत मुस्लिम है तो गुरुजी मुस्लिम के घर पे पूजा करने क्यों आएंगे, बताओ? बिलाल डफर, हम लोग नाटक कर रहे हैं ना, उसके लिए ये घर परफेक्ट है। लेकिन हेतल, गुरुजी मानेंगे कैसे? जैसे उन्हें मैं अपना नाम बताऊंगी नसरीन अंसारी, वही पकड़ी जाऊंगी ना। नसरीन, तुम गुरुजी को क्यों बताओगी कि तुम्हारा नाम नसरीन अंसारी है? तुम्हें तुम्हारे घर में पूजा करवानी है ना, नाटक ही सही। सिंपल, तुम्हारा नाम पूजा है, मतलब हिंदू। हाँ। अरे वाह वाह, तो बोलो सालो, क्या कमाल का आइडिया दिया है मैंने, पूजा के घर में पूजा। किलर आइडिया। और वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बात घुमा देंगे, ये तो नसरीन अंसारी है, मुस्लिम है, इसके घर में गुरुजी काय के लिए पूजा करने आएंगे, गुरुजी खुद ही फंस जाएंगे। वाह दीदी वाह, क्या टॉप का आइडिया दिया है। थैंक यू। बस नसरीन, तुम्हें इतना करना होगा, इस घर को कुछ दिनों के लिए हिंदू बनाना पड़ेगा। हाँ। सिर्फ जब तक ये नाटक चल रहा तब तक। ठीक है, काम हो जाएगा। पर आपके मियाँ टपक पड़े तो? अरे उनकी फिक्र मत करो, अभी आकर गए हैं, अगले 2 महीने तक नहीं आने वाले। और तुम्हारे बच्चे? घोड़ादर में अम्मी रहती है ना, उनके पास भेज दूंगी। तुमने लक्ष्मण प्रजापति का आश्रम देखा और तभी के तभी तय कर लिया कि उन्हीं को निशाना बनाना है, इतना सिंपल। और वो वीडियो और कैमरा? वो सब रंजना मैम के पास है। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुमने कब दिया मुझे? अरे उसी दिन तो दिया था मैम। हेलो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? खुद इन सारे झमेलों में फंस गई हो, मुझे भी घसीट रही। अरे यहाँ पे कोई झूठ बोलता है क्या मैम? क्या एक मिनट, तुम दोनों पत्रकार सच के रखवाले, आपस में डिसाइड कर लो, सोच लो कि सच क्या है और झूठ क्या है, और इसके लिए मैं तुम दोनों को सिर्फ 15 मिनट देता हूं। उसके बाद हम सच उगलवाएंगे। हमारी लेडी कांस्टेबल भैरवी बहुत अच्छा मेकअप करती है, पहले तुम दोनों का मेकअप होगा फिर शूटिंग होगी। अगर तुम दोनों बोलने की हालत में रही तो, और भैरवी का मेकअप बहुत पक्का होता है, नमिता के मेकअप की तरह नहीं, और ये हेड, फेशियल, फुल बॉडी मसाज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, पूरा पैकेज डील देगी भैरवी। यस सर। ठीक 15 मिनट में पानी गर्म करना। समझ गए सर, बहुत दिनों बाद हाथ साफ करने में मजा आएगा। रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, फुटेज और कैमरा दोनों मेरे पास है।
क्या हितल, पूरा क्लाइमैक्स बिगाड़ दिया। आखिरी फाइट सीन के पहले ही खुलासा। चलो ठीक है, कोई नहीं, बता दो कि वो कॉपीज कहाँ हैं। इस पेन ड्राइव पर वो वीडियो ट्रांसफर हुआ था, सारी की सारी कॉपीज डिलीट कर दी गई है, ओरिजिनल फुटेज कैमरा के डिस्क में है। तो उसे क्यों रखा है? मिटा दीजिए ना अभी के अभी। मिटाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। कोर्ट में पहले सबूत के तौर पर पेश होगा वो फुटेज, और फिर आप ही के सामने मिटाया जाएगा। सर, ये केवल गुरुजी के साथ हुआ या किसी और के साथ भी हुआ ऐसा? दीपक, ये हेतल और बिलाल दोनों क्राइम रिपोर्टर्स हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने ऐसे कई केसेस कवर किए होंगे और वहीं से उनको आइडिया मिला। हेतल ने लक्ष्मण जी का आश्रम देखते ही तय कर लिया कि इन्हीं को अपना निशाना बनाना है। और फिर क्या, एक टीम इकट्ठा की और अपनी थियोरी वाली नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई की। गुरुजी, आपने फोन पर बताया था कि जमीन की डील होने वाली है, उससे उनका हौसला और भी बढ़ गया। मैं आपको बता नहीं सकता इंस्पेक्टर, मेरे सर पर से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। सच में दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए इसे गुरुजी। जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे भी। आप ही कहते हैं ना, पैकेज डील। हेतल, रंजना, नसरीन, नमिता और बिलाल पर आईपीसी की धारा 386 के तहत जबरन वसूली और पीड़ित पर दबाव डालने, और आईपीसी की धारा 328 के तहत जुर्म के हेतु से किसी को जहरीला पदार्थ खिलाने के चार्जेस लगाए गए हैं। साथ ही आईपीसी की धारा 342, 347 के तहत किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के इरादे से बंधक बनाना, धारा 298 के तहत किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और धारा 406, 114 और 120 बी के तहत क्रिमिनल साजिश के चार्जेस भी लगाए गए हैं। ब्लैकमेल की इस साजिश ने एक इंसान को असहनीय दर्द दिया, तकलीफें दी, और इस सब के पीछे थी इजी मनी की विकृत भूख। फ्रॉड करने वाले ब्लैकमेलर्स, चीटर्स, ये सभी लोग अपने शिकार की मासूमियत, भोलेपन और डर का पूरा फायदा उठाते हैं। आज के दौर में कैमरा मानो इंसान के अंग का एक हिस्सा बन गया है। ये किसी को भी स्टिंग ऑपरेशन द्वारा ब्लैकमेल करने का हथियार बन गया है। ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार साबित होने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में आज हर सेकंड में अनगिनत वीडियोस अपलोड और टेलीकास्ट हो रहे हैं, और मोबाइल फोन द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन कितना सही है, कितना गलत है, इसकी समझ बेहद धुंधला गई है। संवेदनशीलता तो खैर लंबी छुट्टी पर चली गई है, वो भी वन वे टिकट कटाकर। बहरहाल, इस बदलते जमाने में हमें हरदम सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर कभी कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग गिरोह हमें निशाना बनाने की कोशिश करे तो बिना देर किए पुलिस के पास जाना एकदम सही और एकमात्र विकल्प है, जैसा कि इस केस में किया गया। सभी आरोपी इस वक्त जमानत पर बाहर हैं और कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हो गई है। डर के गिद्ध अब उनके सर पर मंडरा रहे हैं। जुर्म और सजा हमेशा पैकेज डील में ही मिलती है। अभी के लिए क्राइम पेट्रोल सतर्क प्रेजेंट्स का हमारा ये पांचवा और आखिरी स्पेशल फीचर था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन आज रात 11 बजे हमारे क्राइम पेट्रोल सतर्क के एपिसोड गेम का दूसरा और आखिरी भाग देखना आप मत भूलिएगा। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।